कैंट आने वाली है। तो भाई आज का सफ़र दोबारा चालू हो चुका है और सफ़र आज का है मेहंदीपुर बालाजी का, ठीक है। तो ये इंडिया में वैल्यू है और बहुत मानते हैं इनको हिंदू धर्म में, तो वहीं पे जा रहे हैं हम। आजकल हमें योगा एक्सप्रेस, ठीक है, ये देखो हाल। भाई मैं जा रहा हूँ अभी उसके डब्बे में, ठीक है, जो आपको दिखाया मैंने अभी, तो उसका डब्बा था और मैं जा रहा हूँ देखो लोकल डब्बे में, ये लोकल डब्बा पूरा देखो कितना भरा हुआ है, देखो कितना फुल भरा हुआ है। हालत खराब हो रही है, फुल टाइम बनने वाला है। ये लगा हुआ है बिस्तर किसी भाई का, जल्दी जल्दी लगा पड़ा। किसने सुस भी कर दिया इसमें? ना ना ना, पानी देखो भाई, इतनी मेहनत से वीडियो चल रही है। वीडियो मेहनत से चल रही है, वीडियो कुछ लगाया अभी खाली ऐसे ही। ये अपन जान नहीं सकते क्या? हैं ट्रेन का देखो पीछे चले जाओ, सफर बढ़िया लगेगा अंकल, सही लगेगा सफर? चलो ठीक है, देखते हैं। क्या चल रहा है? नहीं लोकल डब्बे की ये स्पेशलिटी है, यहाँ नहीं मिलेगा कोई सीट, लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी। कहाँ जाओगे? ये लोकल डब्बे में स्पेशल है भाई, आ जाओ भाई। तो भाई ये कलाकार की नगरी आ गई गुड़गांव, ये देखो भाई। ओए चचा, चिप्स ला दिए, कोल्ड ड्रिंक है। भाई मैं जा रहा हूँ वापस, ठंड के मारे बुरा हाल हो रहा है, मैं नहीं था कहीं भी। तो भाई भरी रात में पहुंचा हूँ बांदीकुई, जो पड़ता है अपना बालाजी के लिए सबसे बेस्ट रेलवे स्टेशन जो पड़ता है पास के पास, तो मैं यहाँ पर हूँ बांदीकुई रेलवे स्टेशन पे। तो अगर बालाजी कभी आओ ना, मेहंदीपुर बालाजी पूरा फुल नाम बता रहा हूँ आपको, मेहंदीपुर बालाजी अगर अभी आओ आप, तो आपको सीधा बांदीकुई रेलवे स्टेशन में आना है, और बांदीकुई रेलवे स्टेशन से आपको बहुत सारी कारें मिल जाएगी और जीप मिल जाएगी जाने के लिए, और बस वगैरह भी चलती है। तो देख सकते हो भाई ये ट्रेन है, ये हमें दिल्ली रेलवे स्टेशन दिल्ली कैंट से मिली हमें 10:53 पे। देखो, और तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने सफ़र किया है लोकल डब्बे में, और लोकल डब्बे की मैंने आपको भीड़ दिखाई आपको, मैंने कैसी भीड़ है, देखो चाय वाय बन रही है, ठंड का वो है चाय, क्या बोलो चाय बोलो, अरे पानी का बोतल। यह है बांदीकुई रेलवे स्टेशन। भाई हम आ चुके हैं बांदीकुई रेलवे स्टेशन पे, और बांदीकुई रेलवे स्टेशन आने का क्या मतलब है कि हम जा रहे हैं अपना बालाजी महाराज, और बालाजी के लिए सबसे नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है ना अपना यही है अपना बांदीकुई, और बांदीकुई से तुम जाओगे तो बांदीकुई से तुम्हें जीप मिलेगी, बसें मिलेगी वगैरह, सब कुछ मिलेगा आपको साधन, बहुत सारा साधन, ठीक है। और सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है ये बांदीकुई, ध्यान रखना भाई। ये देख रहे हो आप जस्ट इसके बांदीकुई रेलवे स्टेशन के लिए जो ट्रेन थी हमारी योगा लक्षद्वीप, बहुत प्यारी ट्रेन थी, और मैंने जो सफ़र किया ना इसमें लोकल डब्बे में सफ़र किया मैंने, और लोकल डब्बे में सफ़र करके मैंने एक्सपीरियंस इतना लिया है कि कोई लेटा भी है ना तो सीट नहीं देता कोई भी, बहुत लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है सीट के लिए, देख रहे हो आप।
भाई देखो ये है नाइट व्यू बांदीकुई रेलवे स्टेशन का, और देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है बांदीकुई रेलवे स्टेशन कितना प्यारा नाइट में। ठंड बहुत खतरनाक हो रही है, ठंड के मौसम में बना रहा हूँ वीडियो में। अभी सवारी हो चाय पानी और सब पिलाएगा भाई। तो भाई ये देख रहे हो, ये है जीप पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया। बाहर मेन रोड पर आओगे तो जीप इतनी मिलेगी आपको, इतनी जीप मिलेगी आपके जेब भर जाएगी। ये देखो भाई बाजी को रेलवे स्टेशन के पास अगर भाड़ा हो गए ना तो भाड़ा आपको मिलेगी अच्छी कार। ये बोलेरो का ही है, बोलेरो है, जीप है, ये देखो जीप, देख रहे हो, ये देखो जीप, जीप है और शेयरिंग की बस मिलेगी आपको पूरी। तो बांदी को से परमिशन आओ ना, बाहर आओ, आपको बाहर बालाजी जाने के लिए बहुत सारे साधन मिलेंगे। आप निकलो तो घर से पहले ठंड में। भाई साहब ये है रोड में बस, जीप ना होके कितनी सवारी बैठी, कम से कम 15-20 सवारी बैठी है अंदर, 15-20 सवारी हम खुद ही बैठे, तीन तीन, ये देखो एक मुंडी, दो मुंडी, तीन मुंडी, चार मुंडी मेरी आई। चला पूरी पब्लिक भर के आ रही है। और भाई ये है भाई बालाजी का मंदिर, बहुत शानदार दर्शन हुए हमारे। हमें पीछे देख रहा हूँ, यह है राधा कृष्ण मंदिर और भाई। कुल्हड़ वाली चाय किसी की नसीब होती है आजकल, कुल्हड़ चाय देख रहे हो, ठीक है ठीक है, देखते चाय से एक्स्ट्रा कुल्हड़ चाय का बोतल मैं पी नहीं आता। बढ़िया एक नंबर चाय भाई, एक नंबर। तो भाई देख रहो तीन तीन हैंडल हैंडल देंगे और ये इंजन है। तो भाई जिस ट्रेन में मैं आया हूँ ना, ये मैंने ऑन द स्पॉट पकड़ी है, मतलब मुझे पता नहीं था कहाँ से आना है कहाँ से नहीं आना। तो मैं बालाजी से यहाँ पर आ चुका था ट्रेन से, तो मैंने ऑन द स्पॉट ट्रेन पकड़ ली। और देख रहा मैं एक चीज़ दिखा दूँगी, ताकि ये इसलिए लगा रखा ताकि ट्रेन आगे ना जाए पटरी पे। आपको देखने को कब मिलेगा ये, वीडियो को एंड करता हूँ मैं, और वीडियो को थोड़ा लाइक कर सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़, ठीक है, धन्यवाद।